नमस्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा सो so, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको बेसिक्स बताने वाली हूं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तो मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दे देती हूं कि आपको इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा सो वॉट इज एच जो लोग अभी बिगिनर्स हैं या फिर सोच रहे हैं कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं उनके लिए कि ये है क्या इसमें कौन कौन सी पोजिशन्स के लिए वेकेंसीज़ निकलती हैं क्या क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एज लिमिट क्या है पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का एंड जो लास्ट दैट इज़ डिटेल जो सिलेबस है वो हम इसका देखने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं एंड ये लिंक दिया गया है और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसके अलावा आप हमारी ऐप जो ओ टू अकेडमी के नाम से है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं टेस्ट सीरीज़ हैं सिर्फ आप लोगों के लिए अवेलेबल सो चलिए शुरू करते हैं कि वॉट इज़ एच सो ये इस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है बाई एच जो कि है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें रिक्रूट किया जाता है फॉर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसज तो यहाँ पर जब आप एक ऑफिसर बन के जाते हैं तो जो आई ऑफिसर्स हैं उनके अंडर आप काम करते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे आपका एग्रीकल्चर आ गया लैंड रेवन्यू यहाँ पर आपकी जो है वो पोस्टिंग होती है तो यहाँ पर हम पोजीशंस देख लेते हैं जिनके लिए वैकेंसीज निकलती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर बी जिसे कहा जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड तहसीलदार सो so, एजुकेशनल आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं दैट इज ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए फ्रॉम एनी ऑफ दी रिकगनाइज कॉलेज अगर आप फ़ाइनल ईयर में है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं जो इसका फर्स्ट एग्जाम रहता है प्रीलिम्स उसमें लेकिन बशर्ते कि मेन से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए कोई भी इसमें मिनिमम जो आपकी परसेंटेज है वो नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है यू जस्ट नीड टू हैव अ ग्रेजुएट डिग्री एज लिमिट हम एच के लिए देखते हैं एच उसे अच्छे से डिफाइन करता है तो जो लोअर एज लिमिट है दैट इज़ 21 इयर्स एंड अपर एज लिमिट इज 35 फाइव ईयरस सो इसका जनवरी वन के हिसाब से जो है इसका अकाउंट रखा जाता है फॉर एग्जाम्पल आप जो है 21 साल के जनवरी सेकेंड को हो रहे हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अपियर इन दी प्री एग्जाम फॉर एग्जाम्पल इस साल जो है वो जनवरी वन ट्वेंटी ट्वेंटी से रखा जाएगा सो दैट इज़ हाउ द एज लिमिटेड वर्कस सो यहाँ पर एज रिलैक्सीन जो है वो भी रहती है आप देख सकते हैं फाइव फाइव ईयर्स की यहाँ पर है जो एस टी एंड एस सी हैं हिमाचल प्रदेश के ओ बी सी हैं पी डब्ल्यू डी दोज़ आर दी पर्सन विद डिसबिलिटीज उनके लिए भी यहाँ पर फाइव ईयर्स का आप एज रिलैक्सीशन देख सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अलग से जो है एच पी गवर्मेंट एज रिलैक्सीशन देती है सो so, अब चलिए एग्ज़ाम के बारे में हम देखना शुरू करते हैं ये तीन पार्ट्स में होता है यहाँ पर आपका फर्स्ट जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहता है तो इसमें आपको एम सी क्यू क्वेश्चन आते हैं एंड ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग की तरह काम करता है यहाँ पर फिल्टरिंग होती है कि जो आगे बढ़ने लायक हैं वो ही आगे जाएंगे तो एम सी क्यू टाइप में यहाँ पर स्क्रीनिंग हो जाती है फिर आता है आपका सेकेंड एग्जाम जो कि है एच पी एस मेन्ज एग्जामिनेशन इसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव है इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं तो मीन्स एग्जामिनेशन में जैसे कि टोटल वेकेंसीज हैं ट्वेंटी फाइव राइट तो ट्वेंटी परसेंट जो उसका ट्वेंटी परसेंट होगा उतने लोग जो हैं वो मीन्स एग्जामिनेशन में अपेयर करते हैं एंड जो इनमें uh, आगे बढ़ जाते हैं वो लास्ट में जो है आपका इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो इस साल की जो वैकेंसीज़ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जो एच की 2020 की नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी को तो एग्ज़ाम जो है अभी अप्रैल में होना था लेकिन नहीं हो पाया कोरोना की वजह से सो तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा लेकिन इसमें वैकेंसीज़ जो हैं वो तो सेम ही रहेंगी आप देख सकते हैं एक वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के लिए दो वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लिए वन वैकेंसी फॉर प्रिंसिपल फाइव वैकेंसीज ऑफ तहसीलदार सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से तीन जो है रिज़र्व है एक्स सर्विस मैन के लिए वन इज़ फॉर एक्स सर्विस मैन ओ बी सी एंड वन इज़ रिज़र्व फॉर पर्सन विद डिसबिलिटी तो वैसे ही सिक्स वेकेंसीज यहाँ पर बी डी ओ की आई हैं जिनमें से दो अनरिजर्व हैं दो uh, एक्स सर्विस मैन के लिए हैं एंड एक फिज़िकल आपके हैंडी कैप पीपल के लिए हैं सो so, अब हम प्रीलिम एग्जामिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें आपके दो टेस्ट होते हैं फर्स्ट इज़ ये एक ही दिन में होंगे मॉर्निंग में जैसे आपका जर्नल स्टडीज़ हो गया एंड शाम को आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया सो so, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आर हंड्रेड हंड्रेड ईच वेर एज मार्क्स जो है आपका ये टू हंड्रेड मार्क्स का होता है तो आपको याद रखना है कि जो फाइनल एग्जामिनेशन होगी वहाँ पे इसके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होते हैं एंड एप्टीट्यूड जो आपका है ये भी क्वालिफाइंग है तो इसमें आपको थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स चाहिए अगर आपने इसे क्लियर कर लिया है तो आपका जर्नल स्टडीज़ का जो एग्ज़ैम है वो चेक होता है तो ये स्क्रीनिंग यहाँ पर हो जाती है एंड टू आर्स का ये एग्जाम रहता है तो इसका हम सिलेबस देख लेते हैं आप देख सकते हैं जर्नल स्टडीज़ यानी कि जो रोज़मर्रा की जिंदगी में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जिसमें आपकी हिस्ट्री आ जाएगी इकोनमिक्स है जर्नल इशूज ऑन एनवामेंटिकोलॉजी है जर्नल साइंस इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो इसके अलावा जो एडिशनल रहता है दैट इज़ हिमाचल का जीके इसमें हिस्ट्री जोग्राफी आर्ट एंड कल्चर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो सब हिमाचल का एंड करंट इवेंट्स जो भी आपके न्यूज़ में रहे हैं नेशनल या फिर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के एप्टीट्यूड टेस्ट देख लेते हैं इसमें जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं और डिसीजन मेकिंग्स हैं उनका टेस्ट लिया जाता है लॉजिकल रीजनिंग को आपकी देखा जाएगा एंड बेसिक न्यूमरेसी जो टेंथ क्लास तक का लेवल रहता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जाता है चलिए मेन्स एग्जामिनेशन की तरफ आ सकते हैं अब इसमें होते हैं टोटल एट एग्ज़ाम्स आप देख सकते हैं पहले दो एग्ज़ाम्स जो हैं वो लैंग्वेज के हैं इसमें इंग्लिश एंड हिंदी का टेस्ट होता है जो कि हंड्रेड मार्क्स ईच है एंड दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर इनको आपको सिर्फ क्वालीफाई करना है तो बहुत लोग जो है इन एग्ज़ाम्स को हल्के में ले जाते हैं क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर में नो no, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये एक कभी कभी आप भूल में रह जाते हैं और ये क्वालिफाई ही नहीं होते हैं सो so इनके लिए भी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप पेपर थ्री देख सकते हैं ऐसे का है इट्स फॉर हंड्रेड मार्क्स फिर आते हैं आपके जर्नल स्टडीज़ के तीन पेपर तो इनमें ये आपके टू हंड्रेड ईच हैं एंड इनका जो सिलेबस है वो हम आगे देखेंगे फिर आता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो एग्ज़ाम्स तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कोई भी एग्जाम सब्जेक्ट uh, रख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट था आपको वो पसंद है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड या आउट ऑफ द ब्लूज आपको कोई अच्छा सब्जेक्ट लगता है एंड आपकी उस पर अच्छी पकड़ है तो उसको आप यहाँ पर ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो उसके यहाँ पर हंड्रेड एंड हंड्रेड मार्क्स होते हैं तो जो मेन्स एग्जामिनेशन आ जाता है वो आपका नाइन हंड्रेड आ जाता है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी इसमें काउंट नहीं होंगे फिर अगर आप इसे पार करके आगे वाई वा वॉयस दैट इज आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं तो वो आपका वन फिफ्टी मार्क्स का रहता है तो टोटल जो है आपकी मैरिट इन आपकी जो पोजिशन है वो यहाँ पर टोटल मार्क्स देखी जाती है जो टोटल है दैट इज़ थाउजेंड फिफ्टी मार्क्स तो हम ऐसे एक एक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सिलेबस देखेंगे शुरू करते हैं इंग्लिश से तो इंग्लिश में आपका ग्रामर रहेगा ट्वेंटी मार्क्स का यूजेज इन वैकेबुलरी ट्वेंटी मार्क्स इंग्लिश कॉम्पोजिशन लेटर एप्लीकेशन एंड नोट राइटिंग ये सब ट्वेंटी मार्क्स का है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस इज़ फॉर ट्वेंटी मार्क्स एंड प्रेसी इज़ फॉर ट्वेंटी मार्क्स सो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज को चेक किया जाएगा आप जितने अच्छा आप आंसर लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे तो इसके लिए आपकी थोड़ी सी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी रहनी चाहिए राइटिंग में सो so दैट आप वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर सकें अब देखते हैं हम अपना हिंदी का सिलेबस हिंदी में आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन रहेगी फ्रॉम इंग्लिश पैसेज टू हिंदी पैसेज एंड वर्सा और इसमें आप देख सकते हैं प्रोज एंड पोइट्री जो है उसकी हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है उसके अलावा यहाँ पर कॉम्पोजिशन्स आ जाते हैं एडियम्स करेक्शन्स ओमिशन्स जो भी आपके टेंथ uh, लेवल तक के हैं प्लस टू लेवल तक के हैं जो मतलब बहुत टफ नहीं लेकिन यू हैव टू क्वालिफाई उसके अलावा आगे बढ़ते हैं एस की तरफ तो ऐसे आप तभी लिख सकते हैं अगर आपको करंट अफेयर्स की जो है वो नॉलेज है क्योंकि जो टॉपिक्स आते हैं वो मोस्टली करंट अफेयर से आते हैं सोशियो पॉलिटिकल इशूज़ सोशियो इकोनॉमिक ईशूज़ आस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी नॉलेज होना इज़ डिफ़रेंट वेर उस नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाना इज़ डिफ़रेंट तो आपकी यहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको लिखना आ रहा है आप अच्छे से लिख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी आपकी वोकेबलरी को चेक किया जाएगा आपकी अवेयरनेस और नॉलेज को देखा जाएगा एंड आप कैसे खुद को वहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं तो आ जाते हैं अब हम जर्नल स्टडीज़ के पेपर पर तो पेपर वन जो है उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके जर्नल स्टडीज़ के एग्ज़ाम रहेंगे इनमें थर्टी थ्री परसेंट जो है हिमाचल का सिलेबस आता है ये टू थाउजेंड एटीन से ही स्टार्ट हुआ है लेकिन इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि हर पेपर में आपका हिमाचल का सिलेबस जो है वो ज़रूर रहेगा थर्टी थ्री परसेंट तो पेपर वन में आप देख सकते हैं हिस्ट्री जोग्रफ़ी आती है हिमाचल प्रदेश की एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके अलावा जो भी हिमाचल नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में रहा है किसी भी न्यूज़ में वो यहाँ पर पूछा जाता है इसमें तीन सेक्शंस होते हैं आपका फर्स्ट सेक्शन है हिस्ट्री का जिसमें हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इंडियन कल्चर आपके फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाता है सेकेंड सेक्शन इज़ जोग्रफी जिसमें फ़िज़िकल जोग्रफ़ी आएगी एंड आएंगे जियो फिज़िकल फिनमिनल एंड दर्ड विच इज़ सोसाइटी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इंडियन सोसाइटी से डायवर्सिटी ऑफ इंडिया से रोल ऑफ वमेन पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर जो ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट रहा है इंडियन सोसाइटी पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोसाइटी जो है आपका थर्ड सेक्शन बनाता है बढ़ते हैं आगे जर्नल स्टडीज़ का पेपर टू तो इसमें भी जो हिमाचल का क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे पॉलिटिकल आर्ट एंड कल्चर एंड इकोनॉमी से हिमाचल प्रदेश की उसके अलावा इसमें पांच सेक्शंस होते हैं फर्स्ट सेक्शन में आता है आपका गवर्नेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी तो इसमें आपको पता है कि आपका पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे के सारे जो आपकी पॉलिटी है वो यहाँ पर आ जाती है उसके अलावा आते हैं इसमें सेकेंड सेक्शन में जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं आपके जो भी इंडिया की इम्पोर्टेंस है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कौन कौन से यहाँ पर साइन किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स एंड किस तरह से ट्रेड किया जा रहा है कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और एजेंसी जो न्यूज़ में रही हैं वो यहाँ पर इम्पॉटेंट है आपका थर्ड जो सेक्शन है दैट इज़ इंडियन इकोनमी उसमें आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा लैंड रिफॉर्म्स आ जाएंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आ जाएगी सो नेक्स्ट इज़ स्टेटस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ कैंडिडेट की एबिलिटी देखी जाती है कि वो जो उसके पास इंफॉर्मेशन दी गई है उसको कैसे प्रोसेस करेगा एंड कैसे कन्क्लूजन निकालेगा सो so ये आपका हो गया पेपर टू नाव इज़ जर्नल स्टडीज़ पेपर थ्री इसमें आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका फर्स्ट सेक्शन रहता है जिसमें जो भी बेसिकली करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ रही है उनमें ज़्यादा ट्रेंड देखे जाते हैं कि उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं जो भी लाइफ साइंसेज हैं बायोटेक्नोलॉजी जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका नेक्स्ट सेक्शन है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट और उससे अगला जो आपका सेक्शन है दैट इज़ एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग सो ये हो गया आपका पेपर थ्री उसके अलावा आपको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एक वो कैंडिडेट को चूज़ करना पड़ता है जिसके दो एग्ज़ाम्स रहते हैं एंड तो आप यहाँ पर देखिए इनमें से आप कोई भी ऑप्शनल जो है चूज़ कर सकते हैं अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका क्वेश्चन ये रहता है मैम क्या हम लैंग्वेज एग्जाम में ऑप्शन ले सकते हैं तो यस yes, बिल्कुल ले सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी संस्कृत उर्दू एंड इंग्लिश लिटरेचर जो है डिफाइन किया गया है तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शनल जिसमें आपको ठीक लगे आपको लगता है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड यू कैन डू दिस आपका इंटरेस्ट है उसे आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टूडे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टिंग ऑल द वेरी बेस्ट